शुरू में मुझे भी यही लगा था हानिया ने मेरा किडनैप करवाया, पर फिर मुझे शक हुआ और फिर सारी सच्चाई मैंने मेहर को बताई और जिस दिन मुझे मम्मी जी की सच्चाई पता चली। तो फाइनली आपको फेवरेट शो उदारियां ऑफियर होने वाला है और यहाँ पर दिखा रहे हैं लास्ट एपिसोड। अब भाई लास्ट एपिसोड में सारी चीजें खत्म हो गई है और एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी। यहाँ हम देखेंगे किस तरीके से पहले तो मुन्नी को एक्सपोज किया जाता है। मैंने आप सबको सच्चाई बताने की कोशिश की थी लेकिन उससे पहले मम्मी जी ने सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया और फिर हमें ये नाटक करना पड़ा ताकि ये सच खुद इनके मुँह से बाहर आ जाए। ये मेरे क्या कर दिया, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी, आई एम सो सॉरी। यहाँ मेहर जो है ना वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेती है, वो जो सब बोलती है और यहाँ मेहर बोली देती है ना कि भाई आप तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो और पहले भी तो आपने किडनैपिंग वगैरह कराई थी मेरी और सिर्फ सरब और मेरे को अलग करने के लिए। मैं बहुत बुरी हूँ। उठना कितना भी बड़ा हो जाए वो सच से बड़ा नहीं हो सकता है। वैसे ना मुन्नी मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई ये जान के कि ये सब कुछ तूने किया है, क्योंकि तू कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर दोबारा से आप एक काम करो, हानी और सरब को दूर कर दो और मेरे से थोड़े से पैसे ले लो और ये सारी चीजों की रिकॉर्डिंग ना वो रिकॉर्ड कर लेती है और सारे घर वालों को बुला के अब सुनाती है। अब जैसे सारे घर वाले सुनते हैं ना सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि तूने सरब के साथ ये सब कुछ किया, तो कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। छी, क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, स्पेशली सरब की। अब सरब को समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करे क्योंकि उसको तो बहुत विश्वास था अपनी माँ के ऊपर। यहाँ पर सरब कहता भी है कि मैं तो आपको रब से ज्यादा मानता था और आपने मेरे संग इस तरीके की धोखेबाजी की, ये बहुत गलत है। मेरी सेवा में आपको पता है वो माँ वो भरोसा का नाम है जो बंदे की ताकत होती है। फिर आज आपने ना उस भरोसे को तोड़ के मुझे तोड़ दिया पूरा। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। और यहाँ पर गुस्सा वुस्सा होके वो जाने लगता है हानिया का हाथ पकड़ के। अब भाई यहाँ पर जो मुन्नी है वो हाथ जोड़ती है, उससे मनाती है, उससे सॉरी वगैरह बोलती है और बोलती है कि भाई मेरे से ऐसी कभी गलती नहीं होगी। यहाँ पर मुझे ना थोड़ा पैसे का लालच आ गया था और मैंने ये सब सारी चीजें की और मैं आगे से अब कभी नहीं करूंगी। मेरी जो बहू है ना हानिया, अब मैं उसको बेटी की तरह रखूंगी यहाँ पर और बहुत प्यार दूंगी इसको। और ये सारी चीजें हो रही है और मेहर ने भी भाई हानिया का हाथ ना सरब के हाथ में दे दिया है और वो बोल भी रही है कि सरब तो तेरा ही था हमेशा से और भाई मैं तो बीच में आ गई थी। यहाँ पर हानिया बोल रही है कि नहीं तेरा था सरब और मैं बीच में आ गई थी। तो वो दोनों बहनों की जो बॉन्डिंग चल रही है ना उसे देख के सरब बोलता है कि भाई मेरे से तो कुछ पूछ लो कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे हानिया से प्यार हो गया, मैं हानिया के साथ रहूंगा। और वही हम देखेंगे हानिया और सरब हो जाएंगे एक और यहाँ पर एक प्यारी सी एंडिंग होने वाली है, पूरी फैमिली दिखेगी इसमें और सब लोग एक अच्छा सा पोज दे रहे होंगे फोटोग्राफ के लिए और यहाँ पर उदारियां का एपिसोड हो जाएगा खत्म।